जरा मैं भी तो देखूं कि तूने क्या बनाया है। ये क्या बना दिया है तूने? ना नमक का ठीक से टेस्ट है और ना ही मिर्च बराबर है, और इसका रंग तो देख, ठीक से हल्दी भी नहीं डाली है। जा पड़ोस वाली सीला की बहू से सीख करा कि खाना कैसे बनाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि उसके यहाँ से रात को सब्जी आ गई, वरना तेरे हाथ की सब्जी खाकर मैं तो भूखी ही मर जाती। क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ठीक है, कितनी बेस्वाद सब्जी बनाई है। पर मम्मी जी, ये बेस्वाद सब्जी सुबह आपने ही बनाई थी, वो फ्रिज में रखी थी ना मैंने, इसलिए मैं इसे गर्म कर रही थी। अब लगता है मेरे मुंह का स्वाद चेंज हो गया है, दवाई ले लेती हूँ। सही तो है, मैंने बनाई होती तो बेस्वाद सब्जी, और इन्होंने बनाई है तो मुंह का टेस्ट ही चला गया। सही है, बहू को कुछ नहीं आता। झटक के सुखा, झटक के। जी मम्मी जी, झटक के ही सुखा रही हूँ। हमारे ऊपर वाले मिश्रा जी की बहू को देख कर आ, ऐसे झटक के कपड़े सुखाती है मानो प्रेस किए हो। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, अब हमारी ही बात है। ठीक है। तो मम्मी जी, मैं उनको ही बुला दूं, हमारा ना प्रेस का खर्चा बच जाएगा। बुलाओ मत और सीखो, उसके घर पे जाकर सीखो। ये लो, दुनिया की सारी बहुएं परफेक्ट, बस आपकी बहू को ही कुछ नहीं आता। एक हमारा टाइम था कि हम घर को कितना साफ रखते थे, घर का एक भी सामान इधर उधर होने नहीं देते थे, और आजकल की बहुएं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे जैसे पड़ा हो घर। ये मम्मी जी को सारी बातें मुझे देखकर ही क्यों याद आती है, मानो मुझे ही कह रहे हो। कर लूंगी सारा घर साफ। Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. चलो, पूरा घर साफ हो गया। कितना गंदा पड़ा है घर, बाप रे बाप। हाँ सही तो है, पूरा घर गंदा मैंने ही किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मम्मी जी को मेरी कदर ही नहीं है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। सुनिए। हाँ? वो मैं ना कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, पर अचानक से क्यों? कुछ भी नहीं, वो बस याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं जाके मिलाऊं। ठीक है, मिल आना। आ, मेरी कमर, मेरा पैर, अरे कोई है? मम्मी की आवाज? मम्मी को क्या हुआ? क्या हुआ माँ, आपकी आवाज आई? बेटा मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है और मेरा पैर भी। पर इनको कैसे पता चला कि मैं जाने वाली हूँ? क्योंकि मैंने सब सुन लिया। जा बेटा जा, तू अपने घर जा। नहीं माँ, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तू कुछ दिन बाद चली जाना, अभी माँ के साथ रहे। ठीक है। चलिए माँ, आप अंदर चलिए और रेस्ट कीजिए। हाँ हाँ बेटा, आ रही हूँ। ठीक है बेटा, अब वो इतना ही कह रहा है तो तू ठहर जा।
जी मम्मी जी। पर मम्मी जी के तो पैर में दर्द हो रहा था ना, फिर वो आराम से चल के कैसे चले गए? यानी कि वो झूठ बोल रहे थे।